नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूटीआई प्रॉब्लम्स की, जो लेडीज़ों में मोस्टली होती है। उस पर हम बात करेंगे आज। यूटीआई मतलब क्यों होता है, कैसे होता है। यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। आपकी जो पेशाब की नली है उसमें अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उसे यूटीआई ही कहेंगे। देखिए, ये क्यों होता है। मोस्टली 90% जो है, जो लेडीज़ों को यूटीआई जो होता है वो अनहाइजीनिक की वजह से होता है। देखिए, कहीं भी आप ट्रेवल करते हो, गंदा वॉशरूम यूज़ करते हो, या घर में भी कहीं भी आप वॉशरूम जो है आपका साफ़ सुथरा नहीं है, गंदा है, तो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ से इन्फेक्शन आने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। दूसरी बात, अगर आप मैरिड हो तो इंटरकोर्स करने के बाद अगर आप वो अच्छे से वॉश नहीं करते हो, किसी वजाइनल वॉश से वॉश नहीं करते हो उसे, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। क्योंकि जो लेफ्ट आउट, कई बार लेफ्ट आउट जो बचता है उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है और उससे यूटीआई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बेसिकली हाइजीन से ही मतलब हमें यूटीआई जो होता है अनहाइजीनिक की वजह से होता है। उस यूटीआई से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए तो आप सबसे पहले आपका जो बाथरूम है, पर्सनल हो, चाहे आप कहीं घूमने गए हो, वहाँ भी आप जो बाथरूम है वो देख के यूज़ करें, साफ़ सुथरा बाथरूम हो वो यूज़ करें। और क्या है कि अपने कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो अपने पास वेजाइनल वॉश ज़रूर रखें। वेजाइनल वॉश लिक्विड, जैसे वी वॉश आता है, ऐसे मार्केट में नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, यही रख सकते हैं आप अपने बैग में। कहीं भी आप ट्रेवल कर रहे हैं, बाहर जा रहे हो, तो कुछ भी आप फ्रेश वगैरह होते हैं या घर में जब आएंगे तो उसे वॉश ज़रूर करें एक बार, और हफ्ते में 2 बार आपको ज़रूर वॉश करनी चाहिए इन वेजाइनल वॉश से, यूटीआई से बचने के लिए। और हाइजीनिक रहें, प्रॉपर हाइजीनिक रहें, अच्छे से वो रहें, तो आप यूटीआई से बच सकते हैं। देखिए, 90% जो यूटीआई है वो सिर्फ़ और सिर्फ अनहाइजीनिक की वजह से ही होते हैं। तो हाइजीनिक रखें, अपने जेनेटल अंगों का ध्यान रखें, तो यूटीआई आपको नहीं होगा। तो ये थी आज की बेसिक टिप यूटीआई के लिए। अगली बार फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मिलते हैं। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।